हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। DSSB के वेरियस पोस्ट पर एडमिशन चल रहे हैं। मैं आपके सामने हमेशा एक प्रीवियस मंथ या प्रीवियस ईयर के पेपर लेके आ रहा हूँ प्रैक्टिस करने के लिए। तो आप देख सकते हैं ये छठे महीने के पेपर का क्वेश्चन है और मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। मेन पर्पज़ है कि प्रैक्टिस करके जाएँ एग्जामिनेशन में। जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। मैं आपसे कहता भी हूँ कि हर दिन मैं पेपर लेके आता हूँ, प्रैक्टिस कीजिए और इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ये बहुत लोग मुझसे कह रहे हैं कि उनको बहुत ज़्यादा बदलाव महसूस हो रहा है, चेंजेस महसूस हो रहा है जब से उन्होंने प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया है बनाना। तो आप भी कोशिश कीजिए बनाने का प्रैक्टिस सेट हर दिन। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो जो क्वेश्चन करना होगा उससे पॉज कर लेंगे आप, मैं आगे बढ़ाते चलूँगा। कोशिश करेंगे सारे क्वेश्चन कर लें आप और काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको यहाँ पर। तो देखिए इसमें जो आप तो देख रहे होंगे ये रीजनिंग है और काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे होंगे। मैंने देखा इस क्वेश्चन को, मुझे अच्छा लगा तो मैं आपके सामने लेकर आया। रीजनिंग भी बहुत टफ आ रही है। थोड़ा दिन पहले मैं देखा पेपर चल रहे थे, अब आज पेपर हैं, कल भी पेपर हैं, क्लर्क के पेपर हो रहे हैं 51/13 के। तो उसमें भी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन उसमें आ रहे हैं। बच्चे बता रहे हैं कि बहुत दिक्कत हो रहा है उन्हें बनाने में। इसमें भी देखिए बहुत अजीब अजीब से क्वेश्चन दिए हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो रीजनिंग का लेवल कितना स्टैंडर्ड है। तो DSSB का थोड़ा पैटर्न और एग्जामिनेशन से थोड़ा अलग होता है। कभी कभी ईजी भी पूछ लेती है, ऐसा बात नहीं है कि सिर्फ टफ आते हैं, कभी कभी इजी भी आ जाते हैं क्वेश्चंस। तो कभी कभी डिपेंड करता है लक पे भी, लेकिन मेनली जो होता है आपका नॉलेज और आपका एक्सपीरियंस, कितना आपने पढ़ाई किया है और कितना आपने मेहनत करके गए हैं और कितना प्रैक्टिस सेट लगाए हैं, वो डिपेंड करता है। कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए कि आप पुराने मंथ के जितने पेपर हुए हैं अभी हाल फिलहाल में उसका पेपर लगाएँ, प्रैक्टिस सेट लगाएँ। जितने हाल फिलहाल में जितने पेपर हुए हैं उसको बनाइएगा तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको। मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि प्रीवियस मंथ में भी पेपर हुए थे हाल फिलहाल में उसे बनाइए, क्योंकि उससे पता चलेगा क्वेश्चन का लेवल क्या है। पैटर्न सब में सेम रहता है ज़्यादातर में, तो आपको पता चलना चाहिए कि पेपर किस तरह का क्वेश्चन आ रहे हैं अभी हाल फिलहाल में। पुराने पेपर में लगाइएगा आप, मतलब 4 महीने, और अगर आप 2 साल पुराने लगाते हैं तो पैटर्न पता नहीं चलेगा। 2 साल पहले और अभी का पैटर्न में चेंजेस होते रहते हैं, तो इसलिए कोशिश कीजिए कि लेटेस्ट बनाने के लिए। अच्छा, मैं बता दूँ आपको, इसका PDF नीचे अवेलेबल है अगर आपको चाहिए। DSSB Grade 4 का 2/17 का पेपर तो नीचे अवेलेबल है PDF, आप वहाँ से ले सकते हैं। और बता दूँ मैं आपको, अगर DSSB Grade 2 का पेपर चाहिए आपको, देखिए एग्जामिनेशन डेट आ चुकी है, मैं एक वीडियो बना के थोड़ा देर में डालने वाला हूँ। तो मैं आपको बता रहा था कि DAS Grade 2 का भी पेपर नीचे अवेलेबल है, प्री का जो जुलाई में हुआ था। जितने पेपर होते हैं DSSB के सारे अवेलेबल हैं नीचे, PDF में अवेलेबल हैं। अलग अलग मैंने PDF बना बना के, कोई 18 शिफ्ट, कोई 20 शिफ्ट, LDC है जो पेपर हुआ था अगस्त में, पेपर जिसका LDC का है वो भी, इसको लेकर तैयारी कर सकते हैं। तो मतलब तरह तरह के पेपर हैं, आप जो भी लेना चाहते हैं, मेडिकल क्लर्क हैं, स्टेनोग्राफर हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर है, जो भी आप तैयारी करते हैं, जूनियर इंजीनियर है, सभी के मैंने प्रीवियस मंथ या प्रीवियस ईयर के पेपर को नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेन पर्पज़ है कि अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके जाएं एग्जामिनेशन में और अच्छे नंबर लाएंगे, तभी ऐसे नहीं होने वाला कि आप इसी तरह चले गए, आप कुछ भी मतलब सोच रहे हैं कि बिना प्रैक्टिस किए ही चले गए। ऑनलाइन आप मॉक लगाते हैं, अच्छी बात है, ऑनलाइन मॉक भी लगाइए, लेकिन मतलब कोशिश कीजिए कि जो लेटेस्ट पेपर अभी बने हैं, प्रैक्टिस सेट जितने लेटेस्ट एग्जामिनेशन हुए हैं अभी, उसको अगर आप बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा चेंजेस मिलेगा आपको। और मैंने देखा भी है, कुछ बच्चों से मेरी बात हुई, पेपर कल दिया था उन्होंने, तो कल हुआ था 51/13 का पेपर, 2 दिन पेपर हो रहे हैं, कल भी हुआ और आज भी होगा। तो उनसे मैंने बात किया तो पूछा, कुछ बताइए क्या पेपर का लेवल बताइए, तो उन्होंने बताया कि कुछ क्वेश्चन रिपीट हुआ है। देखिए मैथ्स में सभी शिफ्ट में, सभी एग्जामिनेशन में मैथ्स का लेवल सबका सेम ही रह रहा है, क्वेश्चन का तरीका एक ही है, तो आपको पता चलना चाहिए पेपर का लेवल क्या है। इसलिए मैं आपके सामने हमेशा एक प्रैक्टिस सेट लेके आता हूँ कि आप इसे प्रैक्टिस करके अनुमान लगा लें पेपर का लेवल क्या चल रहा है। और मैं आपसे कहता भी हूँ कि हर दिन आप लगाइए, ये पहली बार नहीं है, इस 38वां या 37वां नंबर है ये, आप जान सकते होंगे, नहीं पता तो बता दे रहा हूँ आपको, मैं हर दिन डालता हूँ, तो इसलिए 37 और 38 नंबर प्रैक्टिस सेट है। और प्रैक्टिस सेट तो नहीं है, प्रीवियस मंथ के पेपर हैं, आप देख रहे हैं हाल फिलहाल पेपर हुआ है। जितना प्रैक्टिस करके जाइएगा, जितने अच्छे तरीके से करके जाइएगा, उतना अच्छे नंबर स्कोर कीजिएगा आप। तो कोशिश कीजिए कि लेटेस्ट पेपर जो हुए हैं उसको बनाएं, ना कि पुराने पेपर बनाएं, 4 साल 5 साल पुराने पेपर, ऑफलाइन पेपर। ऑनलाइन पेपर बनाइएगा तो बहुत ज़्यादा चेंजेस मिलेगा आपको, और मेरी यही कोशिश रहती है कि आप ऑनलाइन बनाएं, और मैं हमेशा इसलिए लेके आता हूँ ऑनलाइन पेपर, और आपसे कहता भी हूँ कि आप ऑनलाइन बनाइए, क्योंकि बहुत चेंजेस मिलेगा आपको बनाने से। एग्जामिनेशन में टाइम भी बचता है और थोड़ा स्पीड भी बनता है एग्जामिनेशन में, मैंने देखा है, बहुत सारे बच्चों से बात की है
उन्होंने कहा भी कि बहुत ज़्यादा चेंजेस मिला है, टाइम टाइम का मतलब बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट हुआ है, क्योंकि आपको पता होगा सब सेट होता है। अब 20-20 क्वेश्चन का सेट पेयर बने होते हैं और उसमें अब सेट होता है सब कुछ, आपको ना आप आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं। जो क्वेश्चन 20 क्वेश्चन करने के बाद ही अब नेक्स्ट सेट में जाएंगे तो फिर उसे बनाएंगे, तो वहाँ पर टाइम मैनेजमेंट अच्छी तरीके से करना चाहिए, तभी तो अब ये मतलब 20 क्वेश्चन जल्दी से जल्दी बना लेंगे, वरना 20 क्वेश्चन बनाने में बहुत टाइम लगा देंगे, फिर कुछ छोड़ देंगे, सोचेंगे बाद में बनाते हैं ये वो, तो तरीके से क्वेश्चन छूट जाएंगे आपसे। इसलिए मैं आपको सामने हमेशा कहता हूँ कि प्रीवियस मंथ का पेपर बनाइए, और मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि मैंने देखा है बदलाव बहुत सारे बच्चों में, कहा है बच्चों ने, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ आप भी बना के देखो, क्या पता आपको भी महसूस हो, तो आप प्रैक्टिस सेट लगाइए ऐसे। और अच्छा, PDF से चाहिए वो भी ले सकते हैं, PDF नीचे अवेलेबल है, जिन्हें PDF लेना होगा वो भी ले सकते हैं, नीचे अवेलेबल है सारे एग्जामिनेशन के PDF। अच्छा, जो SSC का तैयारी करते हैं उनको भी बता दूँ, मैं SSC का सारे एग्जामिनेशन के PDF नीचे अवेलेबल है। CGL का फॉर्म आ चुका है, CGL का फॉर्म भर रहे होंगे आप लोग, तो CGL की वैकेंसी भी आ चुकी है, तो उसका भी मैंने प्रीवियस मंथ में पेपर हुए थे जुलाई में, तो उसका भी मैंने पेपर बना दिया है, जून जुलाई में पेपर हुए थे उसका भी मैंने PDF बना के नीचे दे दिया है। अच्छा, जो CHSL की तैयारी करते हैं 10+2 SSC CHSL 12वीं वाली, उसका भी मैंने PDF बना के दे दिया है, और जितने CPO का भी मैंने दे दिया है, NTPC अपने फॉर्म भरा होगा, ग्रुप डी फॉर्म भरा होगा, सभी के प्रीवियस मंथ या प्रीवियस ईयर के पेपर मैंने नीचे दे दिए हैं, आपको बस तैयारी करना है। दिल्ली पुलिस का फॉर्म भरा है आपने तो अच्छी बात है, नहीं पता तो मैं बता दे रहा हूँ, दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आई हुई है, दिल्ली पुलिस क्लर्क आपको पता होगा, तो नहीं पता है तो जान लीजिए आप। और मैं उसका प्रीवियस मंथ के पेपर में नीचे दे दिया हूँ, पेपर हुए थे 2017 में, पेपर हुआ था ऑनलाइन पेपर हुआ था, उसका मैंने PDF नीचे दे दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं पहले क्वेश्चन पेपर लेवल क्या है था, कैसा क्वेश्चन आए थे, उसके बाद आप फॉर्म भर सकते हैं, तो देख लीजिए जो सही लगता है कीजिए, आपको दिक्कत नहीं है। तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ ख़त्म हो रहे हैं, ये पैसे चल रहे हैं, हिंदी काफ़ी ईजी आ रही है सारी एग्जामिनेशन में अभी तक जितना देखा गया है DSSB के एग्जामिनेशन में, तो अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करके जाइए और अच्छे नंबर लाइए, ठीक है। चलिए, वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।